सडनली पूरा ट्रेन हिल गया, मैं भी बैठा हुआ था, मैं खड़ा था, फेंका गया। फेंका जाने के बाद दो तीन बार उठने का कोशिश किया, जब तक तो गाड़ी समझ ली एक के ऊपर एक ये हो रहा गाड़ी का जो कंडीशन है। उसके बाद मालूम हुआ कि ड्राइवर से बात हुआ कि गाड़ी ड्रेल हो गई। उसके बाद मैंने उतर के देखा तो सब पैसेंजर लोग भी उतरने लगे और रात काफ़ी अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण समझ में नहीं आ रहा लोगों को किधर जाए क्या है। मैंने इस आपका 6 से देख रहा सब गाड़ी ड्रेल हो, जबकि एसी का तो बहुत बुरा ही हाल है और लोग काफ़ी इंजोर्ड थे। यही है कहाँ लोगों को फिलहाल यहाँ पर कब सहायता टीम पहुँची? कारण ड्रेल होने का कारण है कि डाउन लाइन में NJBCT मालगाड़ी वो पहले से ड्रेल हो चुका था, उसी के ऊपर हमारा 120 में गाड़ी जा रहा था, ड्राइवर का कहना 120 स्पीड था। आपका हमारा अप लाइन इफेक्टेड। यह ट्रेन सुबह 3:43 पर दुर्घटनाग्रस्त हुई। अब इसमें राहत और बचाव कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक 80% यात्रियों को बसों से चक्रधरपुर स्टेशन ले जाया जा चुका है और बचे हुए 20% एक स्पेशल ट्रेन से चक्रधरपुर ले जाए जा रहे हैं। इस घटना में 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई है, 1 को फ्रैक्चर हुआ है और 4 माइनर इंजर्ड हैं, उनको भी चक्रधरपुर अस्पताल ले जाया जा चुका है। चक्रधरपुर से 10:30 के आसपास एक स्पेशल ट्रेन चला के यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया। डिरेलमेंट की न्यूज के बाद से हावड़ा से 2 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, एक आपका है इस्पात एक्सप्रेस और एक बारबिल जनशताब्दी एक्सप्रेस, इन दोनों को अभी तक कैंसिल कर दिया गया है। फिलहाल यहीं तक अपडेट मिला है और इसके बाद से कोई कैंसिल का और क्यों न्यूज नहीं मिला है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।